लास्ट ब्लॉग यहीं बैठ के मैंने एंड किया और मैं यहीं से ही शुरू कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि कल ही मेरा मैथ्स का पेपर है, तो मतलब आज ही पढ़ेंगे ना भाई मैथ्स के पेपर के लिए। अभी मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि लाइट वगैरह नहीं थी, कल मैंने बता दिया था, तो लाइट तो खैर अभी भी नहीं है क्योंकि वही घंटा चल रहा है, वही चल रहा है भाई, तो मैं कल आधा दिखा दिया था, उसके आगे से यही कंटिन्यू हो रहा है। खैर तो अभी मैं नहाने वगैरह जा रहा हूँ क्योंकि मैं गर्मी बहुत लग रही है, क्योंकि पंखा नहीं चल रहा और आज बाहर भी बहुत गर्मी है, पानी में गर्म आ रहा होगा क्योंकि जाहिर सी बात है पाइप गर्म हो जाता है। खैर अभी नहाते हैं और फिर जो है थोड़ा सा फॉर्मूले वगैरह याद करने हैं मेंसुरेशन वगैरह के, क्योंकि मेंसुरेशन एक चैप्टर है पता है एरिया और पैरामीटर वाला, तो उसके फॉर्मूले बहुत सारे हैं, वॉल्यूम सरफेस एरिया ओपन और क्लोज 3D शेप्स हैं वगैरह वगैरह, तो वो सब याद करना है और वो याद करके फिर 5:30 तक मैं कोचिंग जाऊंगा, ताकि वहां जाके फिर पेपर जो है पास्ट पेपर बहुत सारे करने हैं और क्वेरीज वगैरह अगर कोई होंगी तो वो क्लियर कर लूँगा। तो अभी नहाने जाता हूँ, चलते हैं नहीं बोलूँगा क्योंकि लेके तो मैं ऑब्वियस सी बात है नहीं जा सकता, नहाने जाता हूँ और नहा के आके मिलता हूँ। अब जाहिर है इतनी गर्मी होगी तो आइसक्रीम तो खानी पड़ेगी ना भाई, डेट इज मैंडेटरी। इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई करना। यस, पढ़ाई इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि कल है मैथ्स का CI का P1, जिसके लिए हमें पढ़ना है। क्योंकि कल है मैथ्स का CI का पेपर, जिसके लिए हमें पढ़ना है। दीज आर द चैप्टर्स 29, और भी हैं या ऑब्वियसली 32, बीच में तो कोई नहीं है ना, नहीं, ये 32 चैप्टर हैं, जो कि कुछ लोग इन 32 को 40 और कुछ इन 32 को 45 बताते हैं, मतलब वो एक एक चीज़ को, इसको दो है तो इसको दो में ब्रेक कर देते हैं, या फिर ये इधर कोई इसको तीन चैप्टर में ब्रेक कर देते हैं, एंड ये सब वो करते रहते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है भाई, हमें क्या, हमें तो बस ये शुरू के इतना पढ़ना है, बिकॉज नोट्स पढ़ने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो अपनी पूरी है, बट रिवीजन के लिए थोड़े फॉर्मूलाज और नोट्स वगैरह जो कि इसमें हैं। आई थिंक ये अबाउट, इतना जूम इन हो गया कैमरा, आई थिंक ये अबाउट जो है इतना, और भी है भाई, और भी है और भी है और भी है और भी है और भी है, जस्ट इतना, इतने पेजेस मैंने पढ़ने हैं, तकरीबन पेज नंबर 1 से स्टार्ट करके आई विल एंड इट ऑन पेज नंबर 55। सो पढ़ते हैं फिर क्या हो गया, पढ़ेंगे लिखेंगे, ये स्टार इंशाल्लाह ताला कमाएंगे। मैंने इस वक्त नमाज़ वगैरह पढ़ ली और अभी 2:13 हो रहा है, मैंने सोचा था मैं 12 12:30 तक सो जाऊंगा, नज़र कुछ नहीं आएगा क्योंकि पूरे घर की लाइटें वाइटें बंद हैं, क्योंकि सब सो रहे हैं, और इसीलिए मैं आहिस्ते अभी बोल रहा हूँ। मैंने सोचा था मैं 12:30 पे सो जाऊंगा, 2 बज गए, मैंने बस 12 बजे रिकैप करने के लिए एक छोटा सा 15 मिनट्स के लिए खोला था, लेकिन जब वो खोला तो वो आगे चलते 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 2 घंटे लग गए मुझे उसमें। नमाज़ वगैरह पढ़ ली, बस कपड़े वगैरह चेंज करके मैं सोने जा रहा हूँ, और अभी अभी मुझे याद आया कि मैंने जो नेट ड्राइंग होती है वो मैं देखना भूल गया, बस वो फ़ोन पे ही देख के मैं सो जाऊँगा, और फिर सुबह मिलता है। लेट मी डिस्क्राइब थोड़ा सा सीन, मैथ का पेपर था, होके मैं आ चुका, दे के भी आ चुका, मतलब मैंने सोचा सुबह बनाऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा, मतलब मैं 7:30 के करीब उठा था, मुझे रिवाइज भी करना था, मुझे फॉर्मूले वगैरह देखने थे एक बार, फिर मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी, मेरी वजह रह गई थी, तो इस वजह से जो है मैं जल्दी से चला गया था और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, और स्कूल के बाहर भी बस मैंने सोचा था मैं रिकॉर्ड करना है, फिर वहाँ पर भी रह गया, तो इसीलिए फिर मैं घर आके यहाँ कर रहा हूँ कि मैं पेपर दे चुका हूँ, और पेपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ गया, बहुत अच्छा गया, बस सिर्फ एक ग्राफ वाला क्वेश्चन था जो 3 मार्क का था, और वो पहले तो आ नहीं रहा था, और जैसे ही वो आया तो टाइम ऊपर हो गया, तो बस वो चीज़ें रह गई। ग्राफ वाला दूसरा क्वेश्चन था, जिसने दिया होगा उसको पता होगा भाई, तो मैथ का पेपर भी हो गया, और अब जुम्मे को पेपर है। 3 चीज़ें जो मुझे लगता है जिससे पेपर बहुत अच्छा होता है, सबसे पहले पढ़ाई, दूसरा तवक्कल अल्लाह, और उसके बाद
नमाज वगैरह सब टाइम पे पढ़ने से पेपर बुरा हो ही नहीं सकता। उसके बाद जब जुम्मे को पेपर होगा तब की जुम्मे को देखी जाएगी। अभी चूँकि हम पेपर देके आ चुके हैं तो थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करता हूँ और फिर आज भी सोच रहा हूँ मैथ के पी टू के लिए फिर से कोचिंग चले जाऊँ थोड़ी देर। फिर कल से तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं केमिस्ट्री का पढ़ूँगा, फिर पीर को है मैथ का पी टू। तो पहले अभी आराम करता हूँ, 12:30 हो रहा है, फिर उठ के नहा के सीन वीन करके चलता है। तो भैया सीन कुछ ऐसा है, मैंने सोचा था मैं कोचिंग जाऊँगा लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि गर्मी आज की है 30 अप्रैल को, बहुत गर्मी है यार, इतनी गंदी वाली गर्मी है आप लोगों की सोच है, और इतनी गर्मी के सोच है। ये फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, भूल गया था सॉरी। तो मैं नहीं गया, अब मैं बस केमिस्ट्री के लिए अपना पढ़ाई वगैरह शुरू करूँगा। और ये एज यू कैन सी ऐसे समझ नहीं आएगा, ये जगह देख के शायद कुछ याद आ जाए अगर पहले की वीडियो देखी हो तो। ये हमारे बैल आने की जगह, और ये अब इस बार सेट हो गया है। यहाँ पे एसी चलता था तो मैंने कहा इधर गर्मी हो जाती होगी बहुत जानवर की वजह से, और इसलिए फिर यहाँ पे बैठ के पंखे वंखे का मैंने सारे सिस्टम उधर करवा दिया। और एज यू कैन सी यहाँ पे चारपाई वगैरह इधर लगा दी, इधर कुंडे लगा दूँगा और इधर बैल आ जाएगा, पंखा इधर लगा दिया, चारपाई भी इधर से इधर आ जाएगी। तो सारे सीन एकदम परफेक्ट हो चुका है, बस पेपर ख़त्म हो किसी तरह। और 5 जून आ जाए, 5 जून को एक आखिरी फिज़िक्स का पेपर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उसी दिन या अगले दिन जाके मैं जानवर लेऊंगा। फिर 11 जून को एक पेपर होगा, वो P1 है केमिस्ट्री का, वो दे देंगे। अभी खैर कोई नहीं, मैं नीचे आया था बाइक लेने तो इसीलिए मैंने कहा ये भी दिखा दूँ बता दूँ। खैर ये था हमारा मैथ्स का पेपर, और इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कल मिलेंगे यानी जुम्मे को अगले ब्लॉग के साथ ऑफ केमिस्ट्री। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।